Hello from Delhi. Friends, as you know, that our I Am Buddha Foundation is always looking out for people who have ideas, innovative ideas, because I believe that India has the capability of becoming world's innovation hub. And this is possible only when we discover जो हमारे जो native हमारे अपने लोगों के जो ideas हैं जो कि लोगों के problems के साथ deal करते करते धीरे धीरे जो ideas develop हुए हैं उनको जब तक हम नहीं सुनेंगे we cannot depend on borrowed ideas because आप देखिए कोई भी problem को solve करने के लिए जब तक आप उसकी मिट्टी हमारे कहा जाता है कि जो बीमारी है उसका इलाज आसपास के ही herbs में पेड़ों में जड़ी बूटियों में होता है तो इसी तरह से हम उन लोगों को ढूंढें जिन लोगों के पास नेटिव आइडियाज़ हैं एंड इन दिस रिगार्ड आई हैव मेट अ वंडरफुल पर्सन ही इज़ फैसिनेटिंग पर्सन हु वेन एवर आई मीट हिम इज़ फुल ऑफ आइडियाज़ ही हैज़ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आपने उनका भी रिसेंटली GST पे भी देखा होगा वीडियो इनका नाम है सुधीर ये रहते हैं दिल्ली में एंड ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बट हिज माइंड इज़ ऑलवेज एंगेज्ड विद हाउ टू सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया And right now, he is concentrating on our Prime Minister Modi ji's Swachhata mission. So I want to hear from Sudhir. Let's welcome him. Sudhir, hi. Okay, Sudhir, तुम उसे हमेशा स्वच्छता मिशन के बारे में बात करते हो एंड यू से यू हैव सम आइडियाज जिससे ये और इफेक्टिव हो सकता है आई नो नोबडी हैज 100% कॉम्प्रिहेंसिव मैप because we can't do it it's not our full time profession but what are those ideas which a common citizen can do aam aadmi jo hai वो क्या करे ऐसा जिससे कि इसमें लोग कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट भी कर पाए इसमें कोऑपरेट भी कर पाए वो क्या क्रिएटिव आइडियाज़ हैं देखिए एक बात तो तय है कि जो साफ जगह होती है वहाँ कोई कूड़ा नहीं डालता या और हमने बहुत कुछ किया है मोदी जी ने जो एक ये नई लहर लोगों के मन में और पूरे भारतवर्ष में चला दी है स्वच्छ भारत की इससे एक अवेयरनेस तो डेफिनेटली आई है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स तक ने झाड़ू उठा लिए अपने हाथों में लोग टोकते हैं किसी को कूड़ा डालने पर और अब किसी को टोकने पर कोई बुरा भी नहीं मानता लेकिन ये सब तो फर्स्ट लेवल का था इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको अभी जो 30% सक्सेस इंडिया में मिली हुई है स्वच्छ भारत अभियान को इसको 100% ले जाने के लिए जो एक तरीका होना चाहिए वो ये है जो 2019 के बाद मोदी जी आपको करना है देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कचरा क्या है कचरा हर वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं मिलती आज आपने सड़क पर कोई बियर की बोतल पड़ी हुई नहीं देखी होगी आपने सड़क के ऊपर कोई मेटल का पार्ट कोई ब्रास का टूटी गिरी हुई नहीं देखी होगी क्योंकि वो सब चीज़ें कबाड़ी वाला खरीद लेता है अब हमें जो कचरा है उसको एक वैल्यू एडिशन करनी है उसको हमें लोगों को ऐसा लालच देना है जिससे लोग अपने घर का ही नहीं सड़क से भी कचरा उठाकर अपने घर लेकर आएं और वो हमें सरकार को तरीके से दें छोटी सी चीज़ है जैसे अभी मोदी जी आपने वाराणसी में किया है तकरीबन 500 करोड़ रुपए की आपने स्कीम चलाई है STP प्लांट्स लगाए हैं जगह जगह कि कोई भी सीवेज का जो कचरा है वो नदियों में नहीं जाएगा वो ट्रीट होगा तो ये 500 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है आप ये 500 करोड़ रुपए के साथ साथ आपने उनके लिए ज़मीन भी एलोकेट की होगी तो यही हमें इसके लिए करना है स्वच्छता के लिए मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझ लिए 2 एकड़ का एक अगर टुकड़ा आप निकाल कर हमें दे दें तो इसके अंदर ये किया जा सकता है एक टीम बनाई जाए जिसमें 10वीं पास 8वीं पास समझदार बच्चे हम उनको एंगेज करें उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और उन्हें हम स्वच्छता इंजीनियर्स का काम दें ये घर घर जाएंगे और घरों से सुबह अपनी गाड़ियों में एक कैश रजिस्टर्स जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप खरीदने जाते हैं सामान तो वो दाल खरीदी तो उसने दाल का रेट भरा 40 रुपये किलो या 60 रुपये किलो और 1 किलो दाल दे दी आपको और फिर आपने उसी मशीन के ऊपर चावल रखे तो चावल 55 रुपये किलो उसने भरा और उसका बारकोड निकलता चलाया यही एक ऐसी ही मशीन लेकर हमारे इंजीनियर्स घर घर जाएंगे और उनसे घरों से हम लोग सब कुछ खरीदेंगे अखबार है तो कबाड़ी वाला आपको रद्दी वाला देता है 9 रुपये किलो तो हम आपको 9.25 रुपये किलो देंगे हम बाज़ार के रेट से 2-5% ऊपर पैसा देंगे और आपके घर से आकर कचरा लेकर जाएंगे
तो इससे क्या होगा कि लोग अपने बच्चों की किताबें हैं, कॉपियां हैं, वो एक जगह देंगे हमें, वो एक क्रेट से ली जाएंगी, कोई मेटल पार्ट्स हैं, कोई टीवी का कंपोनेंट ख़राब हुआ है, ई वेस्ट है, मतलब एनीथिंग जो भी कचरा है वो हम पर रेट लोगों से ख़रीदेंगे उनके घरों से। और ये इंजीनियर्स जिस ट्रक पर जा रहे होंगे वो ट्रक के अंदर वहीं सेग्रीगेशन अलग अलग हो जाएगी। जैसे बायो वेस्ट है, लोगों के घरों में सब्जियां, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, मांस की हड्डियां, खाना पीना, बचा हुआ खाना, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायो वेस्ट है, ये सब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, ये भी हम खरीदेंगे। प्लास्टिक की पन्नी हम खरीदेंगे, आपके पेप्सी कोका कोला के टिन एम्प्टी हम खरीदेंगे, और हर घर की एक पासबुक बन जाएगी जो उनके आधार से या उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगी। और जैसे ही आपका सामान खरीदा गया वो उतने पैसे रोज़ के आपके खाते में चलते चले गए, और हर पहली तारीख को आपके घर में कूड़े के पैसे आपको घर पे आए मिल गए। कैसा आइडिया लगा आपको? माइंड ब्लोइंग। एंड जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आइडिया इम्प्लीमेंटेबल भी है और बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। ये सब घरों से ट्रकों में हमारे टीम लेकर ये उस 2 एकड़ का जो लैंड मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है आप बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ ये 10-11 बजे तक ये सारे ट्रक्स जगह जगह से घरों से कई टन कूड़ा लेकर पहुँच जाएंगे। वहाँ इनको सेग्रीगेट किया जाएगा। 70% सेग्रीगेशन तो ऑन दी व्हीकल इटसेल्फ हो चुकी होगी। मेटल एक जगह पहुँच गया, टिन के कैंस क्रश करके एक जगह पहुँच गए, अखबार की रद्दी एक जगह पहुँच गई, बायो वेस्ट एक जगह पहुँच गई, गीला कचरा एक जगह पहुँच गया, ये सब सेग्रीगेट हुआ हुआ सामान वहाँ डिफरेंट चैम्बर्स में पहुँचा दिया जाएगा। हम दोपहर तक उस सारे के सारे सामान को हम अलग अलग कर दिया जाएगा, जो गत्ता है, जो कागज़ हैं उनके बंडलिंग हो जाएगी, और शाम को 4 बजे तक मिल्स डायरेक्टली कंपनी की मिल्स वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको खरीद कर ले भी जाएंगी। इससे रिसाइकल क्विक करने का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। पर ये सब अभी नहीं होता, ये अभी भी तो होता है सर। अभी जो होता है इस लेवल पर नहीं होता है कि लोगों को आपके कचरे के पैसे मिलते हों। अभी तो लोग जो सेलेबल सामान है सिर्फ वो कबाड़ी को बेचने के लिए घरों में इकट्ठा करते हैं। जनरली अखबार और बोतलें सिर्फ, और मेटल की चीजें, बाकी सब तो आप कबाड़े में बेच देते हैं। और वो कबाड़ा कहाँ प्रोसेस हो रहा है, वो जा रहा है जो चीज़ तो बिकने वाली है वो बांग्लादेशी उसको बेच देते हैं, और जो नहीं बिकने वाली है वो शहरों के बाहर बड़े बड़े कूड़े के ढेर जिनमें कंटिन्यूसली आग लगी रहती है। यू आर सेइंग जो ये हम जो कचरा फेंकते हैं यानी प्याज के छिलके, सब्जी, ये सब जो हम वो खरीदेंगे। अच्छा, पीपल विल बी पेड फॉर दैट चाहे वो हम 5 रुपए किलो खरीदें चाहे 10 रुपए किलो खरीदें। और जब वो जगह 2 एकड़ के प्लॉट पर जो इसका नाम आप स्वच्छता केंद्र रख दें या कोई भी उसका डिस्ट्रिक्ट नेम दिया जाए वहाँ पहुँचेगी, तो वहाँ बड़े बड़े ह्यूज पिट्स बने होंगे। उन पिट्स में ये सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो वहाँ डाल दी जाएगी, वो 3 महीने में उसकी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। हाँ, जो हम आगे बेच सकते हैं और प्लांटर्स बनाकर उन्हीं घरों के आप गिफ्ट कर सकते हैं, उद्यानों को दीजिए, बड़े बड़े पार्क्स में दीजिए। खाद है, खाद कैन बी यूज्ड एनीवेयर। और जो पेपर है पेपर मिल वाले ले जाएंगे, मेटल है मेटल प्रोसेसिंग यूनिट्स ले जाएंगे, और जो प्लास्टिक है प्लास्टिक की वेस्ट प्लास्टिक के रिसाइकलर्स ले जाएंगे। सो ऑन दैट वेरी इवनिंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर विल हैव 0 वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर सिटी एंटायर डिस्ट्रिक्ट। दिस साउंड्स गुड। इट विल बी रीचिंग डायरेक्टली टू द मिल्स, और लोगों को भी हर पहली तारीख को जब कूड़े के पैसे मिल जाएंगे तो लोग सड़क पर पड़े हुए भी प्लास्टिक के रैपर्स उठाकर घर ले जाएंगे कि ये तो मेरा कल सुबह जो कूड़े वाला आएगा उसको मैं बेच दूंगा। आपने मोदी जी झाड़ू बहुत चला लिया, अब आप जनता से झाड़ू लगवाइए और लोगों को ये क्लीन करने की प्रोत्साहन दीजिए। इसके अलावा और 2-3 चीज़ें हमें करनी होंगी। एक तो जो रिलीजियस हमारी मटेरियल होता है, जो हम पूजा करते हैं, जो लोग मज़ारों पे जाकर चादर चढ़ाते हैं, जो भी सामान पूजा का सामान है, वो अब हमारी नदियाँ उसका भार नहीं ले सकती हैं। जो लोग नदियों में प्रवाह करते हैं, तालाबों में, तालाबों में, नदियों में
जो बड़े बड़े फूल माला हैं, आज मेरे घर में हवन होता है तो समझ लीजिए 4 किलो सामग्री और बचा हुआ मेरा सामान जो मैं ढूंढता हूँ कि मैं किसी नदी में डाल दूँ, तो उसके लिए जो हमारे कॉलोनीज के मंदिर हैं बड़े बड़े, हर मंदिर के बाहर आपको एक समर्पण कुंड बनवा कर देना होगा, एक समर्पण बिन। इसमें लोग अपने जो टूटी हुई मूर्तियां हैं भगवान की वो सब वहां डाल जाएंगे, वो अब नदियों में नहीं डालेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है जी। अब हमारे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, पानी कम होता जा रहा है, नदियों के ऊपर बहुत भार बढ़ गया, तो एक तो ये हमें इसको अटैक करना है, दूसरा हमें जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, इनके ऊपर थोड़ी सी नकेल कसनी होगी कि आप वापस आइए अपने कांच की बोतलों के ऊपर। ठीक है, आपने प्लास्टिक की बोतल में बेच दी हमारे को पेप्सी, आपको वापसी नहीं लानी पड़ती खाली बोतल, तो आप वापस आइए कांच की बोतलों के ऊपर और प्लास्टिक को थोड़ा कम कीजिए। अगर आप ग्लास बॉटल्स लेंगे वापस लाएंगे और उनका क्लीनिंग यूनिट वापस अपना रीस्टार्ट करेंगे तो हम आपको फ्यूल सब्सिडी दे देंगे एक साइड के किराए का, तो कुछ ऐसी स्कीम भी निकाल कर लानी होगी। तो अगर सरकार और एक सेकंड मुझे बताओ, इसमें ये भी तो हो सकता है, जैसे मैंने मेरे बच्चा गया, उसने लेस का पैकेट खरीदा, हाँ जी, राइट, तो उसने लेस खाया और उसने पैकेट उठा के नीचे फेंक दिया, हाँ जी, अगर वही पैकेट वो जाके किराने वाले को वापस कर दे तो किराने वाला बदले में उसको एक टॉफी दे दे या कोई चीज दे दे, कुछ मोटिवेशन ऐसा हो सकता है, सो दैट दिस थिंग गोज बैक टू द मैन्युफैक्चरर। कायदे से मैन्युफैक्चरर की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। आ रहा हूं इसी बात के ऊपर कि हर FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें चाय पत्ती, मैगी के पाउचेस हैं, मैगी ने अभी वैसे परसों ये कर दिया है कि अगर आप 10 खाली पैकेट उनको देंगे तो एक पैकेट आपको फ्री दे देंगे, माइंड ब्लोइंग, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये भी मैंने सजेशन डाला हुआ है ट्विटर के ऊपर, आज से 1.5 साल से मेरा सजेशन चल रहा है, और अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस हल्दीराम के ऊपर, जो भुजिया के पैकेट हैं, हर एक जो उसकी पैकेजिंग है उसके साथ एक वैल्यू अटैच कर दें कि ये खाली पैकेट की वैल्यू 55 पैसे है, तो अगर किसी आदमी ने 23 रुपए का सामान लिया है और उसके खाली पैकेट के पैसे 55 उसको वापस मिल जाएंगे दुकानदार से, तो कोई भी कचरे का पैकेट कहीं पर भी आपको कूड़ेदान में नहीं मिलेगा, एम्प्टी रैपर किसी का, तो दिस शुड ऑल्सो बी डन। और ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आने वाले 2019 में अगर आप ये स्टार्ट करेंगे तो 2020 तक आपको सड़कों पर से कूड़ा दिखना बंद हो जाएगा, और जो ये शहरों के बाहर बड़े बड़े कूड़े के ढेर जल रहे हैं इनको भी थोड़ी सी निजात मिलेगी, और 1.5-2 साल में वहाँ पर हम उद्यान तैयार कर सकते हैं क्योंकि और कचरा उन पर नहीं टलेगा। वंडरफुल वंडरफुल सुधीर, दैट वाज ब्रिलियंट आइडिया। और मैं भी ऐसा मानता हूँ, मैनेजमेंट में एक थ्योरी होती है कैरेट एंड स्टिक, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके जो एम्प्लॉई अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको स्टिक डंडे से मारो, और अगर अच्छा काम करते हैं उनको कैरेट दे दो। आई थिंक ये चेंज होना चाहिए, हमने इतने दिनों से स्टिक चलाई है, अब स्टिक भी नहीं चलाते, अब तो हम इतना थक गए हैं, पर ये जो कैरेट वाली चीज़ है आई थिंक दिस रियली वर्क्स, पीपल फील मोटिवेटेड। एंड ये हम सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो हम अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लोगों को अगर जब फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है किसी भी सोशल स्कीम के साथ, तो आप देखिए लोग उसके साथ ओनरशिप लेकर जुड़ जाते हैं। तो आप जिस तरह से अपनी गाड़ी की रक्षा करते हैं, अपने घर के प्लांट्स की रक्षा करते हैं कि भाई बाहर बकरी अकड़ी ना खा जाए उसको, इसी तरह से आप कचरे की भी रक्षा करने लगेंगे, क्योंकि वो जो कचरा है दिस विल गिव यू मनी इन रिटर्न, दिस विल गिव यू वैल्यू, एंड बिसाइड्स दैट दिस विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन कंट्री। और मेरी नज़र में सर्विस से अच्छी वर्ल्ड में कोई फीलिंग नहीं होती है, और सफाई से भी अच्छी कोई चीज़ नहीं है। स्वच्छता, नीटनेस और सफाई से पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप होता है। ऑफ कोर्स, कचरा जो है वो चारों तरफ नेगेटिविटी फैलाता है, आपको अच्छे विचार आने बंद हो जाते हैं जब आप गंदगी के बीच में रहते हैं, राइट। तो जैसा कई लोगों ने कहा, स्वच्छता इज डिवाइन। एंड थैंक यू सुधीर, next time when I meet you in Delhi we'll listen to some more ideas. Thank you so much. Thank you. So he's I am Buddha. Honored.